नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन द एडुहब में। जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा कि ये जो आपका विषय है सुपर टेट पे, इस पे मैं आपको एक विस्तृत जानकारी देने वाला हूँ। उससे पहले आप जो हमारे माननीय मंत्री जी जो हैं आपके शिक्षा बेसिक शिक्षा मंत्री, उनका जो संदीप सिंह जी हैं, उनका एक वीडियो देख लेते हैं, फिर शुरू करते हैं पूरी चर्चा। तो आप वीडियो पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पक्ष के सदस्यों द्वारा बड़ा गुणगान किया जा रहा था कि प्राथमिक शिक्षा कैसे सुधर गई और विद्यालयों में एकदम बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई, बच्चे पढ़ने जाने लगे। मैं सरकार से ये जानना चाहता हूँ कि जब स्कूलों में शिक्षक नहीं होंगे तो आप शिक्षा के स्तर कैसे सुधार पाएंगे। मेरा पहला सवाल है, माननीय मंत्री जी का जवाब आया 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत 6,696 भर्तियों को चयन अथवा जनपद आवंटन की कार्यवाही की गई है। मेरा यह पूछना है मानवर कि ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र कब वितरित किए जाएंगे तथा 6,696 पदों पर विज्ञापन कब जारी किया जाएगा। चूंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो सहायक अध्यापकों को नियुक्ति दी गई थी उसमें विसंगति थी और ओबीसी के आरक्षण में विसंगति थी, तो मंत्री जी यह बताएं कि आप नए कितने पद सृजित करेंगे, क्योंकि 69,000 और 68,500 शिक्षक भर्ती नहीं थी बल्कि शिक्षा मित्रों को संयोजन का मामला था। पहला सवाल। दूसरा मेरा अनुपूरक है कि मंत्री जी का जवाब आया कि बेसिक में शिक्षकों के 51,112 पद रिक्त हैं लेकिन भर्ती के संदर्भ में सरकार का कोई भी विचार नहीं है, तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात को बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक वर्ष 3.5 लाख प्रशिक्षुओं को डीएलएड करवाया जा रहा है और जबकि डीएलएड 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 के प्रशिक्षु पहले से डीएलएड भर्ती की परीक्षा में है, यानी लगभग 15 लाख अभ्यर्थी डीएलएड परीक्षा से उत्तीर्ण है जिनमें 8 से 10 लाख टीटी उत्तीर्ण है। ऐसे प्रशिक्षकों को शिक्षक भर्ती कब होगी? सरकार या तो शिक्षक भर्ती निकालेगी या हर साल कब भर्ती होगी, इस पर अवगत है। एक तीसरा अनुपूरक है कि 2016 में 12,400 शिक्षक की भर्ती हुई थी जिसमें 6,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया था। सरकार बदलने के बाद इस पर जांच हुई थी तो आधों को दे दिया गया, आधे भी अभ्यर्थी बचे, उनको कब नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। एक आखिरी मेरा अनुपूरक है कि एडेड जूनियर हाई स्कूल में 17-18 अक्टूबर 2021 को परीक्षा हुई जिसका परिणाम 17 नवंबर को आया 2021 को तथा पुनः परिणाम 6 दिसंबर 22 को जारी किया गया, लेकिन अभी तक इनकी नियुक्ति नहीं की गई। नियुक्ति को कब तक भर्ती किया जाएगा? और एक आखिरी बात मानवर कि आखिरी और पांचवी, 27 मई 2022 को नियम 301 के तहत जनपद चित्रकूट में तैनात रहे पूर्व बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री राजीव रंजन मिश्रा जी के खिलाफ तमाम सारे जो उन्होंने भ्रष्टाचार किए थे उस पर मैंने 301 के तहत मैंने आपको सूचना दी थी, जिस पर जिले से जांच हुई। जांच होने के बाद जो एडीएम और कोषाधिकारी द्वारा उनको जांच में दोषी पाया गया उनको जो है आज तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, और दूसरा उनको जांच दोबारा दी गई कि विभागीय जांच होगी जिसमें झांसी में अधिकारियों को तैनात किया गया, वो 31 दिसंबर को रिटायर हो गए। तो इस पर मैं कई बार मंत्री जी से भी निवेदन किया, मिला भी, और मैंने उनसे निवेदन किया। मेरा सरकार से सीधा सवाल है, सातवां और आखिरी, सरकार से सवाल है कि जीरो टॉलरेंस के तहत क्या केवल बैकवर्ड एससी और माइनॉरिटी के अधिकारियों पर कार्रवाई होगी? जो सत्ता पद से जुड़े संरक्षित लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी? वो भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं? इन विषयों पर माननीय मंत्री जी का मैं जवाब चाहता हूं। धन्यवाद। सात आखिरी क्वेश्चन जवाब माननीय मंत्री जी दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने शिक्षकों के विषय में प्रश्न उठाया कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत बच्चों को जो पढ़ाने की व्यवस्था बनाई गई है, मुझे लगता है कि उनके समय में जो शिक्षा की व्यवस्था थी और आज के समय में जो बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत पठन पाठन की व्यवस्था बनाई गई है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। आज परिषदी विद्यालयों में उस समय पठन पाठन के कार्य को छोड़ करके परिषदी विद्यालयों में बाकी अन्य सारे कार्य किए जाते थे, केवल पठन पाठन नहीं होता था। जो पूछा उसके ऊपर बताइए। मैं जो पूछा उनके उत्तर पे ही आ रहा हूं। माननीय सदस्य ने चिंता जताई कि बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक हमारे परिषदी विद्यालय में नहीं है, तो मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूं कि वर्तमान में ये जो हमारे पद सृजित हैं, ये पद सृजित आज के समय के नहीं है, ये पुराने समय के हैं और पुराने छात्रों की संख्या के हिसाब से ये पद सृजित किए गए थे।
आज वर्तमान में जो हमारे पास छात्रों की संख्या है और जो शिक्षकों की संख्या है, जो छात्र और शिक्षक का अनुपात होता है, जो कि प्राइमरी में एक शिक्षक पे 30 बच्चों का होता है और अपर प्राइमरी में 35 बच्चों पे एक शिक्षक का होता है, तो वर्तमान में जो हमारे पास शिक्षक हैं, हमारे शिक्षा मित्र अनुदेशक और प्राइमरी के हमारे शिक्षक मिलाकर के ये पीटीआर जो हमारा रेशियो है, टीचर का बच्चों का और शिक्षक का रेशियो, इसको हम लोग पूरा करते हैं और वर्तमान में हमारे पास शिक्षक की कोई भी कमी अभी बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत नहीं है। पूछिए, आप पूछिए। करना चाहता हूं कि अगर शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के तो उनको 7,500 और 10,000 आप क्यों दे रहे हैं, उनके साथ ऐसा न्याय क्यों कर रहे हैं। दूसरी बात मेरा कहना कि जब आपके पास पद नहीं है तो आप प्रत्येक साल लाखों बच्चों को डिलीट क्यों करवा रहे हैं। लगभग 15 लाख बच्चे जो डिलीट किए हैं, जिसमें से 10 लाख बच्चे टीटी उत्तीर्ण है और आपके पास पद नहीं है, तो आप उनको क्यों डिलीट करवा रहे हैं, उनको क्यों बेरोजगारी की ओर धकेले हैं। तीसरा जो मेरा सवाल है, स्पेसिफिक सवाल है, जनपद चित्रकूट के पूर्व बीएसए के संदर्भ में, उस पर आपके द्वारा क्या कार्रवाई हो रही है। लगभग 9 से 10 महीना होने जा रहा है, जनपद चित्रकूट में एडीएम और कोषाधिकारी ने जांच में उनको दोषी पाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, सरकार के किस व्यक्ति का उनको संरक्षण मिला, क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई। माननीय मंत्री जी, जानकारी है तो बताइए। देखिए, एक विशेष माननीय सदस्य ने जो बीएसए के संबंध में जानकारी जानी है तो वो मूल प्रश्न से अलग है। माननीय सदस्य को उसकी जानकारी मैं जो जांच में उसकी कार्रवाई की जा रही है उससे अवगत करा दूंगा। जहां तक उन्होंने नियुक्ति के संबंध में माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है, क्योंकि वर्तमान में पहले से 2 नियुक्ति के प्रकरण अभी विभाग के अंतर्गत चल रहे हैं और जिनपे माननीय न्यायालय के द्वारा ये प्रकरण दोनों चल रहे हैं, इस पर माननीय न्यायालय का निर्णय आना भी बचा हुआ है। माननीय न्यायालय का जिस तरह से निर्णय आएगा उस अनुसार इन प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जाएगा, इसीलिए वर्तमान में कोई नई नियुक्ति की प्रक्रिया अभी विभाग के अंतर्गत विचाराधीन नहीं है। और मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट कर दिया कि विभाग के अंतर्गत अभी शिक्षकों की छात्रों के अनुपात को देखते हुए हमारे पास कमी भी नहीं। तो आपने पूरा वीडियो जो है बहुत ध्यान से सुना होगा, जिसमें जो आपके समाजवादी पार्टी के MLA जो हैं उन्होंने पूछा था सवाल अपना कि क्या कुछ है आपके पास, तो इस पे आपके जो माननीय मंत्री जो हैं बेसिक शिक्षा के संदीप सिंह जी, उन्होंने अपने उत्तर रखे थे, तो उसका पूरा ब्यौरा मैं आपके सामने लेके आया हूँ। पूरा खर्रा मेरे सामने है, इस पे मैं आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। जैसे आपके सामने लिखा है, मचा है बवाल, युवाओं का बुरा है हाल, यानी कुछ ऐसा ही माहौल है आजकल उत्तर प्रदेश में। चाहे आप लेखपाल देख लीजिए, चाहे आप पेट देख लीजिए, चाहे आप PPSC जूनियर देख लीजिए, चाहे आप वीडोरी एग्जाम देख लीजिए, चाहे आप सुपर टेट ही देख लीजिए, है ना। तो सबसे पहले जो आपके सपा मंत्री का बयान था, मतलब कह सकते हैं सवाल था, वो ये था सबसे पहला कि जो 69,000 वैकेंसी की गई थी उसमें 6,996 जो पद बचे हुए हैं उनके नियुक्ति पत्र कब दिए जाएंगे। तो ये जो आपका देखा होगा आपने 6,996 जो आपके पद नहीं दिए गए नियुक्ति पत्र, ये OBC के आरक्षण से संबंधित कुछ आपके तकलीफें थी जो सरकार को उससे रिलेटेड है। तो इस पे आपके बेसिक शिक्षा मंत्री ने बयान अपना दिया और बताया कि ये जो पूरा मुद्दा है इस समय कोर्ट में है और कोर्ट जैसा ही हमको आगे की राह दिखाता है हम वैसे आपके नियुक्ति पत्र को बांट देंगे। फिर जो आप देख रहे होंगे कि थोड़े दिन पहले एक हलफनामा कोर्ट में डाला गया था, जिसमें आपके बेसिक शिक्षा मंत्री ने बताया था कि हमारे पास 51,112 रिक्त पद हैं, है ना। तो अभी हाल के बयान में जो आपने सुना, उन्होंने कहा कि हमारे पास जो रेशियो है RT के अकॉर्डिंग कि 30 बच्चों पे एक शिक्षक आपका प्राथमिक में और 35 बच्चों पे एक शिक्षक आपका जूनियर में आपको देखने को मिलता है। अब बात ये आती है कि आपने स्कूल चलो अभियान और इन सब अभियान के अंतर्गत 1 करोड़ नामांकन का लक्ष्य रखा आपने, 43 लाख या 60 लाख अलग अलग न्यूज़ चैनलों के हिसाब से आपने इतना बताया। तो अगर बच्चा बढ़ा है या टीचर कम नहीं हुए हैं क्या, क्या किसी का रिटायरमेंट नहीं होता है, क्या किसी का मतलब कह सकते हैं प्राइमरी से जूनियर में नहीं जाता है, तो इन सब चीज़ों के सवाल के घेरे में मंत्री जी हम लोगों को दिखे। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि 3.5 लाख बच्चा जो है वो हर साल DLED कर रहा है। सपा मंत्री ने पूछा कि जो 3.5 लाख बच्चा जो हर साल DLED BEd कर रहा है, इनके भविष्य के बारे में आप क्या सोच रहे हो। भाई, एक बच्चा 1.5-2 लाख रुपये लगा के BEd करता है, फिर आपका टेट देता है और सुपर टेट का वो इंतजार करता है किस लिए, कि उसे वैकेंसी मिलेगी। लेकिन मंत्री
मुख्यमंत्री जी ने अपना इस सवाल से बिल्कुल पल्ला झाड़ दिया, इस पर किसी प्रकार के उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत नहीं किए। अब बात की जाए अगर एडेड कॉलेज की, तो इन्होंने 2016 में 12,400 एडेड कॉलेजों की वैकेंसी निकाली थी, जिसमें से 6,000 लोगों को इन्होंने नियुक्ति पत्र बांटे थे, और अभी भी इनका 6,000 मतलब जो वैकेंसी 6,400 हैं उनके उन्होंने नियुक्ति पत्र नहीं बांटे हैं, और ये मामला भी आपका कोर्ट में गया है। कुल मिला के फॉर्म भरिए, पेपर दीजिए, पेपर लीक होगा, दोबारा दीजिए, पुनः हाईकोर्ट जाएगा, आंसर की आएगी, तो पूरा एक प्रकरण 1 से 1.5 साल तक आपका चलता रहेगा, और बाद में वो वैकेंसी रद्द कर दी जाएगी। कुछ ऐसा ही आपका वीडियो री एग्ज़ाम के साथ में हुआ था। इन्होंने कैलेंडर निकाल के बताया था कि सितंबर में हम एग्ज़ाम कराएंगे, अभी तक पता जता नहीं है कब एग्ज़ाम आएंगे। बात करते हैं पारदर्शिता की, है ना, कितनी अच्छी पारदर्शिता है आपने यूपी टेट में देख ही ली होगी कि शायद ही कोई ऐसा जिला बचा होगा जहाँ पर यूपी टेट का पेपर 28 नवंबर को जो हुआ था लीक ना हुआ हो, है ना। तो वही सरकार दोबारा जिसने 23 जनवरी को पेपर कराया था वो पेपर क्यों नहीं लीक हुआ, है ना। तो सरकार में दम है, सरकार अगर चाहे तो करा सकती है, लेकिन वही बात है ना, योगी जी ने कहा था कि विरासत में आपको राजनीति मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती। योगी जी, मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि आप जब दूसरों को देखते हैं उससे पहले आप खुद के घर में भी एक बार देख लीजिए कि आपने अपने आसपास कैसा माहौल बना के रखा है। कोई बात नहीं, आगे देखिए, शुरू करते हैं 97,000 से कि हमारे पास 97,000 है, आपको जनवरी 2022 में आपको देखने को मिलता 97,000 और ख़त्म कितने कर दिया कि 17,000। अरे बताया था आपने ही 17,000 है, कहाँ है, उतने ही तो दिखाइए ना, हम समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग कहानी है, तो वो तो ले आइए ना, कहाँ है वो पद भी नहीं है। फिर योगी जी के मंत्री का संदेश क्या आता है, संदेश में कहते हैं कि भैया हमारे पास किसी प्रकार की कोई भी जगह नहीं है, तो हम लोग भी जब आप आएंगे कभी मौका आएगा हम लोगों का, हम लोग भी कह देंगे कि हम लोगों के पास भी किसी प्रकार के आपके लिए कुछ नहीं है, मतलब जैसे आप तैसे हम, वो हमको भी करना पड़ेगा। योगी जी के मंत्री का संदेश आपने अभी सुना, 3 मिनट की वीडियो में बहुत अच्छा सा प्यारा सा उन्होंने भाषण दे दिया कि आरटीई की धारा ये कहती है, शिक्षक अनुदेशक मिला लेते हैं, हम ये कर लेते हैं। आरटीई की धारा में प्रभु ये भी तो लिखा है कि जो शिक्षक होंगे वो टेट सीटेट की योग्यता रखते होंगे, आपने ही तो सुपर टेट बनाया ना, तो सुपर टेट करा लो, काहे नहीं करा लेते हो ना। लेखपाली करा ली, 31 जुलाई को कराया था, कहाँ है उसका रिजल्ट, सब घूम रहा है। 6 महीने में आप नियुक्ति पत्र बांट रहे थे, सीना ठोक के कह रहे थे, कहाँ है लेखपाली, कहाँ है वीडियो एग्जाम, कहाँ है अध्यापक की वैकेंसी, कैसे जब आप इतना सब इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो कि यहाँ घूमो वहाँ घूमो, हम सब इन चीज़ों के लिए बना रहे हैं, जब नौकरी नहीं देंगे, पैसा नहीं होगा, जब रोजगार नहीं होगा, तो क्या घूमे फ़ायदा, क्या आपके बनाए फ़ायदा, आपके लोन से काम थोड़ी ना चल जाएगा, फिर बिना नौकरी कैसे करें तैयारी, जब आप किसी प्रकार की उम्मीद देते ही नहीं हो तो हम तैयारी कैसे करें। तो इन पर जरा इनका बयान सुनना मंत्री जी का। जब बीजेपी के मंत्री जी से सवाल किया गया, यानी संदीप सिंह जी से सवाल किया गया, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत पठन पाठन की व्यवस्था का कार्य चल रहा है, जो कि आप यानी आप मतलब समाजवादी पार्टी से बहुत अच्छा है। तो भैया ऐसे अच्छे दिन हमको नहीं चाहिए, ठीक है, सिलेंडर डेली महंगा कर रहे हो, ठीक, चीज़ें महंगी हो रही हैं, हर चीज़ का किराया महंगा हो रहा है, तो उससे अच्छे वो हमारे नहीं कहते हैं, हमारे वो बेकार वाले ही दिन थे जो हमको ज़्यादा बढ़िया लगते थे, कि 1 रुपये में 2 टॉफी खरीद के खा लेते थे और जहाँ मर्जी जाते वहाँ घूम लेते थे। अब 1 रुपये में 1 टॉफी भी बहुत मुश्किल से मिलती है, तो ये अच्छे दिन अगर हैं तो भैया आप अपनी जेब में ही अच्छे दिन रख लो, हमको वो पुराने वापस पुराने वाले दिन ही दे दो, वो ज़्यादा बेटर थे, वैकेंसी निकलती तो थी, भले हम कहते थे कि इधर उधर हो जाती हो, लेकिन एक उम्मीद रहती थी कि हाँ भैया वैकेंसी आ जाएगी। आपने तो ऐसा लॉकडाउन लगाया है कोविड के नाम पे कि वैकेंसियों पे ही लॉकडाउन लग गया। आगे क्या कह रहे हैं कि प्रसिद्धि विद्यालय में सभी कार्य बहुत अच्छे से हो रहे हैं, जिसपे आपके जो सतीश महाना जी माननीय स्पीकर जो हैं विधानसभा के उत्तर प्रदेश के, उन्होंने टोका, भाई साहब आप भटक रहे हैं, यानी संदीप सिंह जी को बताया कि आप भटक रहे हैं, तो संदीप जी इस पे बात टारते हुए दिखे, इन्होंने किसी प्रकार की कोई बात नहीं की। जब शिक्षक के रेशियो की बात आती है तब आप शिक्षा मित्र अनुदेशक सबको लपेटे में ले लेते हो, जब उन्होंने कहा मानदेय देना चाहिए, मानदेय देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, टेट सीटेट वो है नहीं, तो ऐसा करिए ना, उनको आप शिक्षा की गुणवत्ता चिल्लाया करते हैं, हर जगह अपना ढोल बजाया करते हैं, कैसी शिक्षा गुणवत्ता होगी जो बंदा टेट सीटेट नहीं निकाल पा रहा है, और लाखों बच्चे जो टेट सीटेट निकाले बैठे हैं उनका क्या,
वो क्या करें, वो कहाँ जाएं? प्राइवेट स्कूल में घुसेंगे ना, फिर प्राइवेट स्कूल वाले जब ऐसे लोगों को लेंगे जिनको टेट सीटेट पास किए होंगे, योग्यता वाले होंगे, उनको पैसा देंगे तो वो फीस बढ़ाएंगे, उसमें भी आपको दिक्कत है कि प्राइवेट स्कूल फीस काहे इतनी ज़्यादा ले रहे हैं। अरे जब आप ही का सब किया धरा है, बनाया आपने है, गवर्नमेंट आपकी है, सरकार आपकी है, कोई ऐसा एक्ट लाइए जिसमें कहा जाए कि प्राइवेट स्कूलों की इतनी फीस होगी, वो भी आपसे ना हो पाएगा, क्योंकि आपका भी कमीशन कुछ ना कुछ तो बंदा ही होगा, वरना आप अभी तक ला ना देते, इतना तगड़ा आपके पास वो है। तो कुल मिला के ऐसा है कि इन्होंने साफ साफ कह दिया था हमारे पास कुछ नहीं है, यानी कुल मिला के हम वैकेंसी नहीं दे पाएंगे, संदीप सिंह ने ये कहा है। अब भैया जब आप वैकेंसी नहीं दिलाओगे तो काम इतना कर दो प्रभु कि जो आपका यूपी टेट और ये बीएड और डीएलएड है इनको आप ताला लगा दो, जब जहाँ इतना चीज़ें मतलब गिरा रहे हो लोगों का, मतलब मकान वो जो उन्होंने किया गिरा दिया, तो एक काम करो प्रभु जो बीएड के कॉलेज हैं इनको भी गिरा दो, ठीक है, बीएड का फॉर्म निकालना बंद कर दो, और तब तक निकालना बंद कर दो जब तक वैकेंसी नहीं आ रही है, खलिया भीड़ ही तो बढ़ा रहे हो, आपकी जेब में पैसा जा रहा है। अब जरा ये बताओ आप जो पिट लाए थे उस पिट का क्या काम है, है ना, पेट का पहले भी तो पेपर वैसे ही होता था, अभी भी वो एक लेखपाली में आया था ना, 25 रुपया का पहले भरा हम लोगों ने, 25 रुपया का भरने के बाद उसके बाद आप कटाफ निकाल ले हो, तो कैसी आपकी संस्थाएं हैं जो 25 रुपया लेके कटाफ निकालती हैं, इससे बढ़िया कटाफ तुम्हारा पान वाला बता देगा कि इतने नंबर में इतना नंबर आ जाएगा, पता नहीं कौन सी संस्था है आपकी। मतलब कुल मिला के कहें तो इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं उनके बयान से कुछ कहने को नहीं। सुपर टेट कब आएगा, सब इसी उम्मीद में लगे हैं, माता पिता उम्मीद में लगे हैं, भाई बहन उम्मीद में लगे हैं कि कब सुपर टेट आएगा, लेकिन भैया सुपर टेट नहीं आ रहा है। अब भैया ऐसा करना कि दोबारा बीएड मत निकालना, क्योंकि जिन लोगों से मतलब उम्मीद थी कि बीएड कर लेंगे तो कुछ एक लाइन बन जाएगी, तो बीएड बेकार है, डीएलएड बेकार है, कुछ मत करो, इससे बढ़िया अपने घर में जो 1.5 लाख रुपए कहीं और लगा रहे हो कहीं और लगा दो, चाय का कहते हैं एक ठेला ही खोल लो, वो ज़्यादा बढ़िया, आजकल स्टार्टर के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो क्या अब वही बात है ना, 97,000 से शुरू 17,000 पे खत्म, हमारे पास पद 91,112 का पद, क्या ही कहे। अब वही बात है ना, जब वैकेंसी नहीं आएगी तो क्या पढ़ाने में मज़ा आएगा, क्या पढ़ने में मज़ा आएगा भाई, पढ़ाने में मज़ा तब आता है ना जब सामने एक लक्ष्य होता है। अब अर्जुन ने चिड़िया तभी देखी थी ना जब चिड़िया पेड़ पे थी, अब द्रोण कहते क्या दिख रहा है, सबको अलग अलग दिखाता, क्यों, क्योंकि वहाँ पे चिड़िया थी तो अर्जुन को अपना लक्ष्य दिखाता, हमारे पास वैकेंसी नहीं है, हम नया नया डेली नया लेके आते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, जल्दी ही आ रही है 97,000 की बड़ी सी वैकेंसी, अब बस जुट जाओ। तो खाली झूठ बोले हम लोगों से भी कुछ नहीं होता है, कि यूपी में इस समय समझो सब कुछ ठंडे बस्ते में पड़ा है, बस वही चीज़ है ना कि फ्री में काओ, अपनी रेवड़ी नहीं है, दूसरों की जो फ्री चीज़ें हैं वो रेवड़ी हैं, यही चल रहा है। अब क्या ही कहें कि अब उम्मीद क्या है, उम्मीद बस ऐसे लगा सकते हो कि 2 जनपदों का ब्यौरा मांगा गया था रिक्त पदों का, तो सब ने निकाल दिया, सुपर टेट आने वाला है, डेली इन्हीं सब नाम से कोर्स बेचे जाते हैं, यही सब होता है। अब ज़्यादा आप लोग खुद से इतने समझदार हैं, आप लोगों से क्या ज़्यादा कहें, बस प्रभु की लीला है, वो देख रहे हैं, हम भी देखेंगे, है ना, एक साल बाद थोड़ा सा इंतजार आप भी कर लीजिए, देखिए दिन सबके बदलते हैं प्रभु, ठीक। तो क्या ही बताएं, उम्मीद की बात करें तो उम्मीद यही है कि छोटी सी रोशनी है कि पद जो हैं हो सकता कभी आ ही जाएंगे, बस धीरे धीरे लगे रहिए, लेकिन हाँ एक फिर से कह रहे हैं कि इसी चीज़ पे मत लगे रहिएगा, इनका कोई भरोसा नहीं है, इन्होंने 3-4 महीने तो कुछ होने वाला नहीं है, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, सुपर टेट से पहले ये टेट कराएंगे, ठीक। तो टेट के लिए आपको मैंने एक वीडियो हम लोगों ने बनाया था, आप उसे देख लीजिएगा। नॉर्मली मैं फिर वही कहता हूँ कि कहीं बाहर मत जाइए, अपना पैसा मत बर्बाद कीजिए, आपके पास इतने संसाधन पहले से ही यूट्यूब पर मौजूद हैं जो आपको फ्री में पढ़ सकते हैं, अगर आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन थोड़ा सा है, नहीं कहते कि अगर आपके दीदे में पानी बचा है तो कहीं ज़्यादा पैसे ना खर्च करो, घर में बैठ के पढ़ो, अगर टेट का पढ़ रहे हो, मान लो अगर आप किसी और संस्था या मतलब किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप उनके लिए अपना देख सकते हैं, लेकिन टेट सी टेट के लिए भैया यही कहना चाहेंगे किसी प्रकार का पैसा आप मत खर्च करिएगा, स्वयं से पढ़ लीजिएगा, हम लोगों के साथ जुड़े रहिएगा, हम लोग भी आपको फ्री में जो जितना हो सकता है सब फ्री में देंगे, जो मतलब ले जाओ पढ़ो बस, खाली जब उनको मतलब टेट सी टेट निकालना है तो हम लोगों को भी देने में कोई हर्ज नहीं है, बस हमारे साथ जुड़े रहिएगा, यही उम्मीद है आप लोगों के साथ में, प्यार बनाए रखिएगा, धन्यवाद।